एक 5-7 साल का बच्चा, माँ उसकी दुनिया से छोड़कर चली गई उसको। पापा ने ये सोचा कि ये बच्चा को माँ का प्यार मिले, संभाल मिले माँ की, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने दूसरी शादी कर दी। 1 साल पूरा हुआ शादी का, वो बच्चे को लेकर बाप बैठे हैं और पूछा, बेटा ये तेरी नई माँ है ना, वो तेरा ध्यान तो रखती है ना, तुझे संभालती है ना, तुझे खुश तो रखती है ना। उस बच्चे ने कहा, पापा मेरी रियल माँ और इस माँ में एक बहुत बड़ा फर्क है। बेटा कौन सा फर्क है? पापा वो माँ है ना झूठ बोलती थी, और ये माँ है ना सच बोलती है। बेटा समझ में नहीं आया तू क्या कह रहा है। पापा जब मैं मस्ती करता था, धमाल करता था, मेरी रियल माँ के इच्छा के अनुसार कुछ ऐसी चीजें करता था जो उसको पसंद नहीं थी और वो कर देता था, तब वो माँ गुस्से में कहती थी कि बेटा तुझे आज खाने को नहीं दूंगी, वो झूठ बोलती थी। जब मैं गुस्सा होता था और कहता कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मेरे सामने वो हाथ जोड़कर सॉरी बोल देती थी कि बेटा आगे से कभी नहीं मारूंगी, मुझसे गलती हो गई तू खा ले बेटा। वो माँ झूठ बोलती थी, कहती थी कि मैं खाना नहीं दूंगी, और खिलाए बिना मुझे वो सो नहीं पाती थी, रह नहीं पाती थी। ये जो माँ है ना मेरी नई माँ, वो सच बोलती है। मैं मस्ती करता हूँ, धमाल करता हो, कुछ भी उसकी इच्छा के बिना, उसकी इच्छा के विपरीत करता हो, तो वो भी यही बोलती है कि मैं खाना नहीं दूंगी, और वो सच बोलती है, वो मुझे खाना नहीं देती है। बस यही फर्क है, वो खिलाए बिना सो नहीं पाती थी, और ये सच बोलकर सो जाती है कि खाना नहीं दूंगी। माँ, हर माँ है ना SLC के एग्जाम 2 बार देती है। एक बार तो जब वो खुद पढ़ाई करती है तब, और दूसरी बार जब उस बच्चे की SLC के एग्जाम होती है। आपका ड्राइंग, क्राफ्ट, होमवर्क कभी ना कभी आपकी माँ ने किया ही होगा। मेरी गो राउंड की तरह हमारे चारों ओर घूमती है। एक बार बारिश में भीगता भीगता उसका बच्चा आया, पूरा बारिश में भीगा हुआ है। उसका बड़ा भाई आया बाहर, तुझे अक्ल नहीं है क्या, बारिश चल रही थी तो तुझे छाता लेकर जाना चाहिए था ना। बहन कहां पीछे रहने वाली थी, वो भी आई, अरे तू छाता लेकर नहीं गया, ठीक है किसी दोस्त के घर तो रुक जाता ना, वहां पर बारिश बंद होने के बाद भी तू घर पर आ सकता था। बिग बॉस पिताजी कहां बाकी रहने वाले थे, वो भी आए, अरे अक्कल नहीं है तुझ में, अरे छाता लेकर नहीं गया, दोस्त के घर नहीं, कहीं तुझे छापरा वापरा कुछ नहीं मिला जिसके नीचे तू खड़ा हो सकता था और बारिश को बंद होने का इंतजार कर सकता था। और उस समय माँ आती है, बाथरूम में जाती है, रुमाल लेती है, टॉवल लेती है, और बच्चे का सिर पोछते पोछते क्या शब्द कहती है मालूम है, इस कलमुए बारिश को तभी आना था जब मेरा बच्चा घर से बाहर निकलता है। ये होती है माँ जो बारिश को 2-4 सुना रही है, ये कलमुए बारिश तुझे तभी आना था जब मेरा बच्चा घर से बाहर निकलता है। ये होती है माँ। कितनी सुंदर
प्यारी है।